तरह का भारत होना चाहिए, आई थिंक बहुत अच्छी एक उदाहरण हमारे सामने है। साथियों, आज हम 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस मतलब लोगों का, ये पूरा देश लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा संचालित किए जाने वाला देश बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे सभी साथियों का, हमारे अथॉरिटी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हमारे साथ हैं, उन सबका, पत्रकार पत्रों का और हमारे स्कूल के बच्चों का, उनके अध्यापकों का, हमारे ग्रेटर नोएडा शहर के सभी निवासियों का इस अवसर पर उनको बधाई देना चाहूँगा, उनको अभिनंदन देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि 26 जनवरी का पर्व सबके लिए हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस अवसर पर सबसे पहले, जैसा कि गुप्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, हमें अपने उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए। आज मैं पूरे शहर की तरफ से, पूरे देश की तरफ से और इस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। उनके क्योंकि मैं नाम लेने लगूं तो आई थिंक बहुत लंबी लिस्ट है, गुप्ता जी ने उनमें से बहुत सारे नाम लिए, मंगल पांडे से शुरू करते हुए कानी झांसी, भगत गुरु, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, नाम लेते जाइए, आई थिंक बहुत बड़ी है। और बहुत सारे हमारे ऐसे शहीद हैं, ऐसे देशभक्त हैं जिनका कभी नाम नहीं आया। आप अंडमान निकोबार जाइए, उस सेलुलर जेल में देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, किस प्रकार से उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद किया जाता था और उनके सामने ही एक कमरे में लोगों को फांसी लगाया जाता था। उसमें जाइए, उस फांसी ग्रह में जाइए, आज भी देखकर जो एक फीलिंग आती है वो एक अलग तरह की है। अभी किस तरह से हमारे देशभक्तों ने अपनी जान को परवाह न करके अपनी जान बिल्कुल खुशी खुशी से अपनी जान निछावर कर दी, सिर्फ इसलिए ये जो है उनका एक सपना था, इसी प्रकार का सपना होगा। मेट्रो चल रही है, हमारी वीरांगनाएं, हमारी बच्चियां, हमारी दुर्गा भवानी इस प्रकार से देशभक्ति के तारांकन गा रही हैं, इस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति है, उन सबको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ना केवल उन लोगों को, उसके बाद भी इस देश को बनाने में, देश आजाद होने के बाद भी हमने कई लड़ाइयां लड़ी, हमारे फौजियों ने बॉर्डर पर शहादत ली, कारगिल वार हुआ तो मैंने नहीं, उस टाइम जिलाधिकारी उधम सिंह नगर था, वो ऐसा जिला है जो बाद में उत्तराखंड चला गया। रोजाना एक शहीद की अस्थि को हम लोग कंधा देते थे, उसकी शहादत को नमन करते थे और सुनते थे किस प्रकार से उन्होंने गोलियां खाई थी, किसे उनके साथ जो फौजी आते थे उनको मैं सुनता था किस प्रकार से वो जोश में आकर सामने जाके लड़ना शुरू करे। हमारे बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पुलिस बंधु, कई तरह से हमारे पास शहीदों के परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। इंटरनल वार, गुप्ता जी ने उसका भी मेंशन किया कि कई बार कुछ हमारे नौजवान भटक या बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर इस वक्त भी ट्राई करती हैं। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि ये भारत देश, ये इतनी लैंग्वेज है, इतनी विविधता है, ये भारतवासी इसको चला नहीं पाएंगे और ये थोड़े दिनों में टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, परंतु आज लगभग 70 वर्ष बाद आपने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि ना केवल भारत एक अखंड भारत रहा, परंतु पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। तो मैं बता रहा था कि उन इंटरनल शक्तियों से जूझते हुए हमारे पुलिस कर्मियों ने, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी। मेरा एक बैचमेट जो कि सीनियर था, परंतु हमारे साथ ट्रेनिंग किया था काम पे, तो जब मुंबई में कांड हुआ था 26/11 का, उसमें शहीद हुआ और सामने वो सारे लोग जाकर लग गए। पुलिसकर्मी हमारे साथ परिवार हैं, ये सब उनको भी हम नमन करते हैं, क्योंकि देश की आजादी के बाद भी यदि हमारे पुलिसकर्मियों को, हमारे फौजियों को आज भी शहादत देनी पड़ती है तो निश्चित तौर पर वो भी हमें सोचना है कि हमें क्या काम करने जरूरत है, क्योंकि उस समय समझ आता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एकदम खुशी से अपनी जान दी, परंतु जब देश आजाद हो गया इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए।
15 अगस्त 1947 को आप आजाद हुए, गुप्ता जी ने पूरा उसका आपको डिटेल में बताया। उसके बाद लगभग ढाई वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारी 1947 से 1950 तक वो व्यवस्था चलती रही जो हमें अंग्रेजों ने दी, सब प्रकार उसी प्रकार से हमारे गवर्नर जनरल कहते थे हम अपने 26 जनवरी 1950 को, यानी कि आज के दिन हम लोगों ने अपना संविधान पूरी तरह से लागू किया। संविधान को पढ़ें, बड़ा अच्छा मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि ऐसा संविधान कहीं है नहीं किसी भी दुनिया में, हर देश की इच्छाइयों को इसमें शामिल किया गया है। ये संविधान बताता है कि हमारा देश क्या है, कितनी जमीन है इसमें, कितने राज्य हैं, कितने यूनिट्स हैं, हमारा नागरिक कौन है, उनकी नागरिकता डिफाइन करता है, उसको चलाने की व्यवस्था क्या है, भारत सरकार स्तर पर क्या व्यवस्था है, राज्य सरकार का क्या व्यवस्था है, नीचे पंचायती राज, नगर पालिका, यहाँ पे एक नगर पालिका भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटियां, यानी के लोग स्वयं मिलकर किस तरह से उद्यमिता करते हैं उसके बारे में बताता है, हमारी लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। मैं हैरान हो रह जाता हूँ जब गुप्ता जी लिखता वैसे हमारी लैंग्वेजेस को नाम पढ़ देते हैं, याद कैसे रहता है। तो ये सब निश्चित तौर पर इस देश की विविधता कहा जाता है, हमारे हर 12 किलोमीटर पे हमारी जो है जो बोली है वो बदल जाती है, जिसे एक एक्सेंट कहा जाता है वो बदल जाती है हर 12 किलोमीटर पर। आप चले जाइए, मैं चित्रकूट से नौकरी शुरू किया, वहाँ हर चीज के बाद ठूल जाते थे, दो ठू समोसे ले आएंगे। तो आप देखिए कितनी विविधता है, और आप तमिलनाडु केरला चले जाइए तो उनकी भाषा समझने में पसीने लगते हैं। हम जब अपनी ट्रेनिंग करने गए तो हम तमिलनाडु में टहलते टहलते एक दिन जंगल में 3-4 लोग मिल गए, अब उसके बाद जिसको भी आप मिले कि रास्ता बता दे वो समझ ही ना पाए, तो हमने 2-3 वर्ड याद किए थे, तनी तनी मीन्स वाटर, बैना मीन्स चाहिए, तो हमने उनको किसी तरह तनी की जगह बस वाइजाज कुछ कुछ बोला और बैनम बोला, तो समझ गए कि इनको जो है ये पटक गए, इनको कोई सड़क चाहिए, सड़क पर लगे। तो ये भारत की एक विविधता है, आप जब भी जाइए उस प्रांत की भाषा बोलिए आपको बहुत मजा आएगा। मैं जब भी किसी देश में जाता हूँ वहाँ प्रयास करता हूँ, बोलना पड़ता है एटलीस्ट उनका गुड मॉर्निंग, गुड बाय बाय, ये सब उनकी भाषा में बोलो। उसी तरह अपने प्रदेश में, अपने देश में इतनी विविधता है, हमारा ये जो ग्रेटर नोएडा शहर है ये भी विविधता से भरा हुआ, ये आपको संविधान ने दिया। मैंने आपको संविधान की कुछ खूबियां बताई, पर असली जो चीज दी, जो हमने आज संविधान का प्रीएम्बल को यहाँ पर पढ़ा, वो था आजादी, विचारों की अभिव्यक्ति की जाती, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये केवल इसी भारतवर्ष में संभव है कि आप किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं, अपनी राज्य सरकार की नियुक्ति कर सकते हैं, अपनी भारत सरकार की कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी जहाँ से आपको रोजगार मिलता है उसके बारे में भी आप किसी को कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में ये सुविधा नहीं है कि आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, ये विचारों की ये अभिव्यक्ति, अपने धर्म को मानने की आजादी, अपने धार्मिक इंस्टीट्यूट खोलने की आजादी, ये भी बहुत सारे देशों में आज भी नहीं है, ये भारत ने दिया। और सबसे बड़ी बात, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया, हमारे जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है एक आम आदमी को पोस्ट कार्ड में भी अपनी व्यथा लिखकर यदि वो सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है, उसकी भी उदाहरण है कि उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिट ज्यूरिसडिक्शन में उसे भी एक्सेप्ट किया। इस प्रकार की खूबियां कि हर व्यक्ति के जो दूर से दूर रहने वाला व्यक्ति उसको भी अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, ऑफकोर्स उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर उस समय भारत वालों को लग रहा था, जो हमारे लोग थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, कि बहुत सारी चीजें कदाचित बहुत दूर है, तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए कि ये सब होना चाहिए। आप देखते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल धीरे धीरे फंडामेंटल राइट बनते जा रहे हैं, ये बच्चे आज उसकी एक उदाहरण है, सबके लिए शिक्षा आज हमारा सबका फंडामेंटल राइट है। और उसमें भी कहा जाता है कि यदि हम अपनी सब लड़कियों को पढ़ा लें, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ अभी भी कई जगह ये दिक्कत है कि लड़कियों को पढ़ाना, कई बार मामा बाहर भी भेजते हैं, गुप्ता जी ने बात करी हमारी महिला सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मुख्यमंत्री जी की टॉप प्राथमिकता है, मैं गाजियाबाद में जाता हूँ वहाँ पे ये देखता हूँ, हमेशा लड़कियों से बात करता हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ वो 6-8 जहाँ तक का स्कूल कॉलेज है वहाँ तक तो पढ़ लेती हैं, कहीं पर 8वीं तक है तो 8वीं तक तो एक दो मिल जाती हैं जो कहती हैं सर पेरेंट्स ने भेजा नहीं, नहीं थे। परंतु हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था दी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया, और फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हो।